गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और बस अभी नहाई हूँ। पहले मैंने कियारा को नहलाया, फिर खुद नहाई। और पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो वो मेरा प्रेशर कुकर सीटी देने की कोशिश कर रहा है। और तो उससे पहले मतलब कायरब को तो मैं रात को नहलाती हूँ हमेशा सोने से पहले, क्योंकि दिन में उसको नहीं नहलाती हूँ, रात को ही नहलाती हूँ। इससे वो फिर अच्छे से मतलब नींद उसकी अच्छे से पूरी हो जाती है। और इससे पहले मैंने क्या काम किया है आइए दिखाते हैं आपको। यारा यार ने देखो फिर से फैला दिए सारे खिलौने। ऐसे क्यों फैलाया बच्चा ये? मम्मी कहाँ है? मम्मी। वो खिलौने क्यों फेंक, ये क्या कर रही है यार तू? फिर से बाहर क्यों धुल रही है, अंदर ही धुलना उसको। यहाँ पे कैसे धुल रही है यार? अरे तो मतलब वैसे डीपली यहाँ धोऊंगी, फिर अंदर जाके फिर से धुलूंगी ना। अच्छा पानी वो अभी बंद हो जाएगा, मुझे लग रहा है जो पाइप में बचा हुआ होगा बस वही आ रहा है, क्योंकि पानी बंद है। क्या हुआ? स्पाइडर? अच्छा आ रहे हैं। कहाँ है? कहाँ है स्पाइडर? कहाँ है? हाँ कर रहे हैं, इधर इधर ला। कहाँ है स्पाइडर? चलो हटो हटो, पापा कर रहे हैं। चलो बस हो गया। हाँ हाँ मशीन की आवाज़ तो आ रही है, यहाँ भी कर देंगे शायद वो कट आज। ना बड़ा बड़ा हो गया ये तो कट भी नहीं पाया ये छोटा पाइप लगा दिया इन्होंने। नहीं दबा हुआ है वो घास को उसके पीछे। मैं बड़ी मुश्किल से गई, कांटे चुभ रहे थे। आज मौसम अच्छा है यार, इसको थोड़ा घुमाने भी ले जाता हूँ। कपड़े मत भिगो, भीग जाएगी सारी। नहलाना है लेकिन पानी तो ठंडा है ना यार। इतना थोड़ी ना भीग रही होगी। अपने ऊपर मत गिराओ बच्चे, ठीक है उधर डालो। पैर तो भिगो दिए इसने। पैर डाल दिया शायद पानी। ऐसे मत करो बच्चे, भीग जाओगे फिर। डालो उस पे डालो, उसको वॉश करो। मामा को दो, मामा को हाथ कितने गोरे। वॉश करो धूप से। मैं तो गोरी हूँ ना। अपने ऊपर डालेगी तू, ले ले उससे पाइप, यार भिगोएगी अपने आप। दे दे बाबू, अब मामा को दे दो। दे दो मामा को दो। चलो इधर आ जाओ तुम। अब उधर स्पाइडर है, स्पाइडर खाएगा फिर। कहाँ से आएगा स्पाइडर? चलो चलो आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ, इस बार करनी है खेती। इधर से आ जाओ, देखेंगे जॉब पे नहीं बुलाएंगे तो खेती करनी पड़ेगी फिर। खेती आप ऐसे बोलो जैसे डेली करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ इधर आ जाओ। आज का काम है यहाँ पे कपड़े धोने का, मशीन भी लगाने का, क्योंकि जैसे हम नहाए तो इन्होंने कपड़े वगैरह सारे कियारा वगैरह के हो गए थे। कुछ कायरब के तो फिर डेली के होते हैं, और अभी कुछ कपड़े बाहर भी हैं जिन्हें मुझे भी धोना है अगर सूख गए होंगे तो। बर्तन मैंने धुल लिए थे, तो ये इनका पानी निकालने के लिए मैंने रखा हुआ था, मैं सेट कर लूँगी क्योंकि इनको मतलब बर्तन तो जैसे एक दो प्लेट ही हमारी यूज़ होती है, लेकिन वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक में मैं एक बार बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि रखे रखे फिर एक नाश हो जाते हैं। इसलिए तो मैं इनको सेट कर लूँगी सारे बर्तन वगैरह। तो फाइनली आज गार्डनर गार्डन की कटिंग भी कर रहे हैं,
और साथ के साथ इसकी सफाई भी हो जाएगी आज, तो थोड़ा सही हो जाएगा। बहुत लंबी लंबी हो चुकी थी ये घास यहाँ पे, बारिश की वजह से और ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो गार्डन आज हमारा हो जाएगा एकदम क्लीन। किचन हो गई है हमारी सेट। यस मम्मा, पापा उठाएंगे, पापा इसे गोद उठाओ। और अब जाती हूँ मैं कपड़े उठाने। और आज गार्डन पूरा साफ हो गया है, गार्डनर आए थे तो कट कर दिया है। वीडियो में आपने देख लिया होगा, ये देखिए बहुत सुकून सा मिल रहा है इसमें। अभी ना थोड़ी सी स्मेल सी आ रही है ना घास कटने की, उससे जैसे खांसी सी हो रही है। अभी अच्छे से करेंगे वो इसको तो होता रहेगा यार। तो अब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि घास इतनी लंबी हो गई थी तो इस वजह से मैं बाहर भी नहीं आती थी क्योंकि डर लगता था कि कहीं कुछ सांप वगैरह ना आ जाए। वैसे तो दिखे नहीं है कभी टच वुड, बट फिर भी डर लगा रहता था क्योंकि जंगल सा बन गया था। तो बस आज सारा क्लीन हो गया है पूरे गार्डन में, पता नहीं। तो अब मैं निकालती हूँ कपड़े। ये देखो ये भाई साहब भी कहाँ घूम रहे हैं। आजकल गार्डन वाले थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, इधर उधर से निकल के आ रहे हैं बाहर। ये देखो ये टर्टल, ये वही लग रहा है शायद जो मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, उल्टा जो गिरा हुआ था मैंने फिर उसको सीधा नहीं हो पा रहा था, उसको मैंने फिर सीधा किया था और पानी वानी उसको छोड़ा था, तो शायद वही है। ये तो भाग रहा है स्पीड से। अरे वाह, फटाफट सारे उसने पार कर लिए पत्थर पत्थर। नॉर्मली ये इजीली कहीं पे भी चल नहीं पाते हैं ऐसे ऊंचाई पे। मेरे को देख लिया शायद इसने, तो रुक गया है। अभी गर्दन अंदर छुपा लेगा, देखो छुपा दी। इसका ना ये बहुत मजबूत होता है। ये कियारा और कायरों को हमने सुला दिया है, और कियारा बड़ी मुश्किल से सोती है क्योंकि उसे मालिश करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या बोलती है, पढ़ाओ मुझे, बड़ी बड़ी मुश्किल करके सोती है। और फिर जब सो जाते हैं फिर हमें बुरा फील होता है कि क्या करें हम। फिर जैसे अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि क्या करें, कुछ है भी नहीं। क्योंकि वैसे तो ये था कि हाँ पहले तो बाहर चले जाते थे, अब यह है कि ना कि वो सो जाते हैं उनको छोड़ कर हम बाहर भी नहीं जा सकते, मैं स्पेशली। तो फिर जब ऐसे बैठे रहते तो फिर मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि यार वो सो गए हैं, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप सबसे बातें ही कर लूं, मतलब जो बातें आज मैं करूंगी वो तो आपको कल परसों मिलेगी, पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों ये, मतलब मैं, मुझे ये लगता है कि जब मैं वीडियो पर बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी से ही बात कर रही हूँ। क्या जब दोनों साथ में सो जाते हैं ना, एक साथ दोनों सो जाते हैं तो कैसा हो जाता है, मतलब घर एकदम सुना सुना सा। और जब उठे हुए होते हैं तो तब हम ना उन्हें कोशिश करते हैं कि सो जाए सो जाए, कान पक जाते हैं इतना शोर किया रहा है अलग। कायरो तो फिर भी अभी ठीक है, वो इतना नहीं करता, वो मतलब टाइम टाइम पे ही रोता है,
मतलब कम ही रोता है, पर क्या रहा ना चीखना चिल्लाना उसका बहुत ज्यादा हो गया आजकल। चीखना चिल्लाना फिर भी चलो ठीक है, वो तो हो, लेकिन चीजें सारा घर ऐसे बिखेर देती है, खिलौने, दिखाती हूँ मैं भी घर के इदर, हाल क्या कर रखा है उदर, कियारा ने। सुबह दिखा तो रखा है वीडियो में, उसमें है वो तो फिर भी कम ही है खिलौने, क्योंकि मैंने छुपा दिए अभी सारे उसके सोफे के अंदर, नहीं तो अभी उसे याद भी नहीं है आजकल, नहीं तो बोलती है खिलौने निकालो मेरे सारे, और आजकल बस इसलिए याद नहीं सारे है ना, फैला देती है। क्योंकि जो ये और दिन जैसे उसके पास एक चीज होती थी, जैसे कुछ भी चीज दे दी, उसे पता है ये कूड़ा कबाड़ा बहुत हो गया ना उसके पास इसी का, जैसे बॉक्सेस वगैरह, तो उसे ये लग रहा कि उससे मतलब खेलने से मतलब नहीं, उसे फैलाने से मतलब है, तो ये चीजें फैला देती है वो, तो ये इतनी बुरी लगती भी नहीं है फैली हुई, है ना। दिन में 50 बार इकट्ठी करनी पड़ती हैं चीज़ें, और मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ जब तक मैं सही ना कर दूँ सारी चीज़ें, और वो फिर थोड़ी देर में फिर वैसे ही कर देती है। हाँ क्या करें यार, कोई भी चीज़ जैसे जगह पे ना रहे तो बड़ी इरिटेशन होती है मुझे, चार पता नहीं पांच साल क्यों। तक तो ऐसा ही रहेगा मेरे लिए, आपका तो क्या पता, अगले साल हम इंडिया चले जाए आप तो फिर सुकून भरी जिंदगी जिएंगे यहाँ राजा महाराजों की तरह। जॉब नहीं करूँगा, तो जॉब करोगे तो आपको ये चाहिए ना, जो चीज जहां पे रखी होती वहां पे रखी होनी चाहिए, तो अकेले रहोगे तो वो चीज वहीं पे रहेगी। और यहाँ पे मैंने एग रखे हुए हैं ताकि मतलब इतने कियारा के लिए नहीं है, एक मेरे लिए एक राज के लिए, कियारा के लिए, ताकि जैसे ही कियारा उठे फिर उसको एग खिला दूँ, क्योंकि मैं इवनिंग में ही एग खिलाती हूँ उसे, इवनिंग हमें भी स्नैक्स के उसके तौर चक्कर में पर। खाना पड़ता है, क्योंकि हम फिर साथ में खाते हैं तो वो भी खा लेती है, नहीं तो फिर वो भी नहीं खाती है। जैसे अगर वो खाली उसी येलो उसी पार्ट के खाने लिए, में तो वो फिर भी बहुत नखरे दिखाती जैसे है। उसको ही उसको अगर हम ये करें कि हाँ उसके लिए जैसे एग बनाए उसको ही खिलाएं, तो फिर नहीं खाती है, फिर उसको खिलाने के चक्कर में हमें भी खाना पड़ता है मजबूरी में। मैं तो चलो फिर भी एग खा ही लेता हूँ, इसको तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मुझे वो भी लेकिन होता इसको भी है, खाना पड़ता है, फिर तो अगर मैं हमको येलो देख देख पार्ट के फिर वो खाती हूँ तो खाती है। मुझे मेरे पेट में दर्द सा होता है, मतलब ना वो दर्द ही होता है ना, मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा फील होता है मुझे अगर मैं येलो पार्ट खा लूँ एग का। तो बस अब कियारा वगैरह उड़ जाएंगे, कियारा वगैरह नहीं कियारा वगैरह, तो फिर मिलते हैं फिर आपसे। और आज डिनर में बने हुए हैं सूखे आलू, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रहे हैं और शायद टेस्टी भी होंगे, वो तो खा के ही पता चलेगा, पर दिखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। तो डिनर हमारा हो चुका है और सब्जी कैसे बनी थी वो आपको बताएंगे राज। सब्जी तू ही बता देना यार, खुद ही तो अपने बनाए की तारीफ करती रहती है तू, बड़ी यम्मी लग रही है और ये वो सो, तो क्यों खुद की बनाई हुई चीज यम्मी नहीं लग सकती? तो खुद ही बता दे फिर कैसी थी, मुझे क्यों पूछनी। नहीं तो मतलब अगर मैं बताऊंगी तो देखो मुझे तो अच्छी लगी है, अब आप अभी बताओगे तो बता रही थी बड़ी यम्मी दिख रही है और तो अच्छी दिख रही है, दिखने में पता सही नहीं नहीं लग क्या रही क्या, थी, खाने में कैसी दिखने थी? में ऐसे ही लग रही थी। सच में दिखाने में सही, मुझे तो अच्छी अच्छी थी, टेस्टी थी लगी, शुरू से अच्छी ही तो, बनाती हूँ मैं। फिर से अपनी तारीफ सुनी। नहीं वो चीज आप अपने घर वालों से भी कंफर्म कर सकते हो और मेरे घर वालों से भी कर सकते हो। ठीक है चलो चलो, बहुत लंबा हो गया ब्लॉग, बोर मत कर पब्लिक को। मुझे तो ये लग रहा है पब्लिक तो पता नहीं आप ज्यादा बोर हो रहे हो, तो राज हो रहे हैं बोर, तो इस एड को करी मैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एड एंड करती हूँ, तो मिलते हैं आपको ऐड नेक्स्ट कर, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे अभी कायरव को भी नहलाना है तो। Check.